जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंतोरा में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में SCCL कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी ड्यूटी के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही वो हादसे का शिकार हो गया। घटना बलोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत पतोरा चौकी इलाके में हुई। इधर एक्सीडेंट से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बलोदा थाना प्रभारी गोपाल सतपति ने बताया कि आज सुबह 7:30 बजे सड़क हादसा हुआ है। SCCL कर्मचारी हरिराम राजवाड़े ड्यूटी के लिए ढेलवा डीह SCCL खदान जा रहे थे। वे पंतोरा मुख्य मार्ग पर पहुंचे ही थे कि डीजल टैंकर के ड्राइवर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक सवार हरिराम राजवाड़े को अपनी चपेट में ले लिया। डीजल टैंकर बलोदा की तरफ से आ रहा था, उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। SCCL कर्मचारी का सर टैंकर की चपेट में आ जाने से बुरी तरह कुचल गया। इधर राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शव को सड़क पर रखकर करीब 2 घंटे तक ग्रामीण रास्ता जाम कर बैठे रहे। सूचना मिलने पर मौके पर बलोदा थाना प्रभारी गोपाल सतपति और नायब तहसीलदार किशन मिश्रा अपनी टीम के साथ पहुंचे। बलोदा थाना प्रभारी गोपाल सतपति ने बताया कि मृतक हरिराम राजवाड़े कोरबा जिले के कनकी का रहने वाला था। पुलिस ने घटना की जानकारी परिवार वालों को दे दी है। उन्होंने बताया कि हरिराम सुबह 6 बजे कनकी से तेलवाड़ी SCCL खदान जाने के लिए निकला था। घटना उरगा थाना क्षेत्र की थी। युवक प्रहलाद धोबी सुबह 4 बजे अपने 2 दोस्तों सुरेंद्र कंवर और अमित कंवर के साथ रनिंग प्रैक्टिस के लिए निकला था। इस दौरान प्रहलाद को पिकअप ने टक्कर मार दी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक तमान का रहने वाला था। हादसे में गुस्साए लोगों ने कई घंटों तक चक्का जाम कर दिया था। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।